अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मावश और आप सुन रहे हैं एफएम 107। और आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है, मैं ये सोच रही हूँ कि इनका तारुफ मैं कहाँ से शुरू कराऊँ, क्योंकि इन्होंने इतने सारे काम अपनी लाइफ में किए हैं। म्यूजिशियन हैं, कंपोजर हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, गिटारिस्ट हैं, और रिसेंटली जिसके लिए मैंने इन्वाइट किया इनको, इनकी एक मूवी रिलीज हुई है जिसमें इन्होंने एज ए डायरेक्टर डायरेक्शन दी है, कर्मा, जिसकी बहुत ही धूम मची हुई है इस वक्त। और इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, इनके म्यूजिक करियर के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो हम वेलकम कहते हैं काशान अदमानी को। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं काशान आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अभी जो रिसेंटली आपकी मूवी रिलीज हुई है एज अ डायरेक्टर, और सबसे सुनने में आ रहे हैं, मैंने नहीं देखी लेकिन मैं हर किसी से सुन रही हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह के कॉन्सेप्ट पे काम, और जो आपने जिस तरह के मतलब जो सीन्स हैं, जिस तरह की डायरेक्शन है, वो सब आउटस्टैंडिंग है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो काशान, कैसे शुरू करें? मतलब पहले हम मूवी के बारे में बात करें या फिर हम शुरू करें मिजमार से, आपके म्यूजिक करियर से? आई थिंक ज़्यादा रेलेवेंट होगा कि हम फिल्म की बात करें, बिकॉज वो करंट है और अभी आई, और मिज़मार तो शायद बहुत सारे लोगों को याद भी ना हो। तो नहीं आई नहीं थिंक हम जैसे जो जो लोग जो करंट चीज़ मतलब होगी। पाकिस्तानी म्यूजिक को सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो वो कभी भूल नहीं सकते आपका काम, तो वो भी याद रहेगा। और सारी बातें करेंगे हम, लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है कि अभी जो रीसेंट इस वक्त जो अचीवमेंट है आपकी, जिसके धूम मची हुई है, कारमा, तो उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। मुझे बताएं कि कॉन्सेप्ट जहन में कैसे आया आपके, और जैसे बात की हमने कि बिल्कुल एक डिफरेंट मतलब जो है ना, वो थ्रिलर मूवी, जो इस तरह की जो एडवेंचरस मूवीज होती हैं, वो हमारे यहाँ बनने का कॉन्सेप्ट कम है। और जो मैंने ट्रेलर देखा है, और उसमें मुझे अंदाजा हुआ जो कैमरा डायरेक्शन है, जिस तरह की आपने सीन्स पिक्चराइज किए हैं, वो बहुत कमाल है। तो ये कैसे कॉन्सेप्ट आया था, आपका था या क्या? जी एक्चुअली मैं काफ़ी अरसे से, जब से मैं अपनी प्रोडक्शन कंपनी रन कर रहा हूँ, विजुअल प्रोडक्शन की तरफ जा रहे थे, और हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज, कमर्शियल्स, इस तरह की बहुत सारी हमने चीज़ें की। और फिल्म, फीचर फिल्म वाज समथिंग दैट आई हैव बीन वांटिंग टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। काफ़ी अरसे से मेरा एक वो था, एम था कि हम एक फीचर फिल्म बनाएं एज अ कंपनी, एज अ प्रोडक्शन कंपनी। कोविड के वक्त कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि मुझे ये मौका मिला, और इनिशियली हम एक छोटी सी फिल्म बनाने का सोच रहे थे। और मैंने जब ये आइडिया फ्लोट किया अपने को प्रोड्यूसर और राइटर फवाद हई को कि यू नो आई वांट टू मेक अ फिल्म अबाउट कराची क्राइम से रिलेटेड, मुझे एक फिल्म बनानी है एंड समथिंग विच इज फिक्शन, विच इज नॉट रियलिटी बेस्ड। तो मैं और वो फवाद जो दोनों बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे क्वेंटिन टारंटिनो के काम से और गाय रिची के काम से, जो हॉलीवुड के यू नो बड़े फेमस डायरेक्टर्स हैं। हम चाह रहे थे कि हम कोई ऐसी फिल्म बनाएं जो जो एक स्टेटमेंट हो, जो कन्वेंशनल पाकिस्तानी फिल्मों की तरह ना हो, जो जिसमें आइटम सॉन्ग्स ना हो, जो हमारे कल्चर से भी बहुत ज़्यादा दूर ना हो और एंटरटेनमेंट वैल्यू भी उसके अंदर अच्छी हो। फिर हमने कामा की स्क्रीन राइटिंग फवाद ने शुरू की, स्टोरी डेवलप की। मेरा तो बेसिक एक कॉन्सेप्ट था कि एक आदमी किडनैप हो जाता है और फिर वो किस तरह से उस सिनारियो में फंसता है और वो कैसे निकलता है, बिकॉज कराची में एक ज़माने में कार किडनैपिंग्स बहुत होती थी जिसमें लोगों से रैंसम मांगा जाता था। तो कराची हाइट्स हमने बहुत सारे डिफरेंट किस्म के क्राइम्स एक्सपीरियंस किए हैं, देखे हैं। इनफैक्ट फवाद तो खुद उनके साथ ही मतलब गुजर चुका है, इस दो दफा ही यू नो किडनैप्ड इन अ कार। तो वो पूरी जो है सिचुएशन जो है उनको पता थी कि किस तरह होता है, क्या होता है। देन ही बिगैन राइटिंग द स्क्रिप्ट एंड दैट्स हाउ वी डेवलप इट। और फिर कारमा की स्क्रिप्ट तैयार हुई और फिर कास्टिंग हुई और फिर हम प्रोडक्शन की तरफ चले गए और आज माशाल्लाह से स्क्रीन पे लग गई। जबरदस्त। अच्छा, म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट करना और मूवी डायरेक्ट करना बिल्कुल एक जी अलग एक चीज है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। और नॉर्मली हमारे यहाँ ये बात बोली जाती है कि हम ड्रामा बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन हमारी मूवीज जो है पाकिस्तानी, वो उस लेवल की नहीं होती है जो हमें बाहर की फिल्म देखने को मिलती है। तो जब आपने ये शुरू किया, तो किस तरह मतलब कोई दुश्वारी पेश आई यहाँ पे रहते हुए, आपको क्या जहन में था, आपको किस तरह देखिए, डिफरेंट से जो रखे? चीज़ें मैं करना चाह रहा था टेक्निकली वो करने में हमें दुश्वारियां ज़रूर आईं, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल फैसिलिटीज़ बहुत सारी नहीं है। जैसे बाहर अगर आपको कोई कार चेस सीक्वेंस शूट करना है तो रशियन आर्म्स आ जाते हैं, या इस तरह की बहुत सारी टेक्निकल फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम नहीं कर सकते।
हमने बहुत डेंजरस तरीके से इसमें कार चेस शूट किया है, और वो कार चेस इस लेवल का है कि अगर कोई इंटरनेशनल उसके ऊपर भी आप उसको देखें तो इट्स नथिंग लेस देन यू नो एनी इंटरनेशनल कार चेस, और उतना ही अच्छा हमने कराची में कार चेस शूट किया है। जो बहुत सारे लोग इंट्रीग होते हैं कि कराची की सड़कों पे कैसे आपने कार चेस शूट कर लिया, तो आई वुड जस्ट से कि अगर आपके अंदर एक विल हो कुछ करने की और कुछ नई नई यू नो अचीवमेंट करने की, तो फिर वो चीजें आसान हो जाती हैं, रास्ते निकल आते हैं। इसका क्रेडिट हमारे सिनेमाटोग्राफर को जाता है, फरहान गोल्डन साहब, जिन्होंने बहुत रिस्की किस्म के शॉट्स उसके अंदर शूट किए और बहुत डेंजरस किस्म की चीजें उन्होंने की। तो फरहान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये रिस्क लिया and he really you know delivered something amazing in terms of visuals. So and obviously puri team ko credit jata hai because everybody really worked hard on this entire process. So I wouldn't say ke sirf meri ek wo hai you know kaavish hai but aur achievement hai, balki sari team ki ye you know ek achievement hai ke टेक्निकली इस फिल्म को हमने उस लेवल पे ले जाने की कोशिश की जिस पे हम यूजुअली जिस तरह की चीजें हम अटेम्प्ट नहीं करते, मतलब हम करते नहीं है जिस तरह की वो इस फिल्म के अंदर करने की। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही मुझे ट्रेलर से अंदाजा हो रहा है। अच्छा, कास्ट बड़ी जबरदस्त है, तो कुछ कास्ट के बारे में बताइए, सिलेक्शन आपका था, किस तरह से लोग मिले आपको इस पूरे प्रोसेस में? अच्छी बात ये रही है कि हमने कास्ट को इस तरह कास्ट नहीं किया जैसे कन्वेंशनल तरीके से कास्टिंग होती है पाकिस्तान में, कि जी इनके इतने फॉलोअर्स हैं तो इनको कास्ट कर लेते हैं, जी इनकी इतनी फॉलोइंग है तो इनको कास्ट कर लेते हैं। इसके प्रॉपर ऑडिशंस किए गए थे और हम कैरेक्टर्स के हिसाब से ऑडिशंस कर रहे थे। हमने बहुत सारे लोगों को ऑडिशन किया और जिन जिन रोल्स के लिए, और हम वे वेरी ग्रेटफुल कि हमारी कास्ट वॉज विलिंग टू डू इट, बिकॉज यू नो जब आप इतने फेमस होते हैं या आप नोन होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है आपको कन्विंस करना अपने पार्ट के लिए ऑडिशन करने के लिए, मगर हमारे एक्टर्स बहुत ज़बरदस्त थे और उन्होंने you know they didn't mind being auditioned for a part, aur unhone audition bhi kiya aur apne characters ko bahut achhi tarah nibhaya aur apne characters ko amazing tarike se jo hai wo screen pe portray kiya. So I think a really big shout out to our actors jinhone char chand laga diye is pure endeavor ko. जबरदस्त, ग्रेट। और मैं जरूर, क्योंकि कल ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर चुकी थी कि हम खामोशियां सुनना चाहेंगे, तो आपने उस पे कहा भी था कि वोकल्स मेरे नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिंगर हैं तो जरूर हम आपसे सुनेंगे। तो नहीं हूँ मैं अपने आप को सिंगर कहता नहीं हूँ, उसकी वजह ये है कि सॉरी मुझे उठना पड़ा, वो गिटार मेरा उस तरफ। सिंगर मैं अपने आप को इसलिए नहीं कहता कि मैं कंपोज जरूर करता हूँ, मगर मैं गाना सिर्फ दोस्तों के लिए ऐसे कभी गा दिया तो गा दिया, बट आई एम नॉट रियली अ सिंगर। खामोशियां लफ्जों में ढलती नहीं, तन्हाइयां जाने क्यों कटती नहीं, ये दूरियां ये भी मिटती नहीं, नजदीकियां जाने क्यों बढ़ती नहीं, ये दिल कहीं लगता नहीं, इस दिल का तू ही पता, मैं क्या करूं, मुझ में मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ हुआ है तेरा, मैं क्या करूं। खामोशियां, बहुत आला, बहुत आला, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ग्रेट। तो अच्छा, सिंगर्स के नाम अगर आप हमें बताना चाहें, किन किन लोगों ने गाया इसमें? जी, इसमें बहुत सारे जबरदस्त सिंगर्स ने गाया है। इसमें असद रशीद ने खामोशियां गाया है, जो आपको गाना बहुत मिजमार, असद ने जो है वो मिजमार ज्वाइन किया था एक अरसे और फिर हम उसके बाद काम नहीं कर पाए आगे, लेकिन आवाज असद की मैंने यूज की इस पर्टिकुलर गाने में भी, और एक और गाना भी उन्होंने गाया है परिंदा, एक परिंदा, तो वो भी फिल्म के अंदर है गाना, वो भी मिजमार का ही गाना था और हमने उसको वापस से यूज किया फिल्म के अंदर। उसके अलावा खुर्रम इकबाल ने बहुत अच्छा गाना गाया है, जो कि फ्यूजन के सिंगर हैं, उन्होंने भी फ्यूजन के सिंगर थे, अब वो सोलो करियर परसू कर रहे हैं। उसके अलावा एक बैंड है कश्मीर पाकिस्तानी, बड़ा मशहूर, उनके सिंगर है बिलाल अली, उन्होंने गाना गाया है। उसके अलावा अपना CTO एक बहुत ज़बरदस्त बैंड है, चांद तारा ऑर्केस्ट्रा, उनका एक गाना है बंदा। उसके अलावा एक नया बैंड है नकाब पोश, उनका गाना है।
तो वो बहुत सारे हमने नए लोग यूज किए हैं इसके अंदर और बहुत सारे पुराने लोग भी हैं. तो ये है कि ये एक एक बहुत यंग सिंगर है इस्लामाबाद की, उनका भी एक गाना है चरखा. तो वो किसी 13-year-old girl जो गाना मैंने प्रोड्यूस किया था और फिर वो उसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस ने बजाया है, जिसमें आहद नयानी ने ड्रम्स बजाए हैं जो कोक स्टूडियो में बजाते थे, और कामरान जफर साहब ने बेस बजाया, वो काफ़ी मशहूर हैं कोक स्टूडियो के सारे सीजन में आप उनको देखते रहें. तो बहुत सारे अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस ने और अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाने गाए हैं इस फिल्म के. तो इसका साउंड ट्रैक आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की वैरायटी है गाना. बिल्कुल अंदाजा हो रहा है, बिल्कुल अंदाजा हो रहा है. और आपका म्यूजिक है तो डेफिनेटली अच्छा होगा. तो बहुत बहुत शुक्रिया काशान, थैंक यू सो मच. आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. हमेशा मतलब जिसको आप सुनते आ रहे हो, जिसका काम पसंद हो, जब बात होती है तो एक अलग फीलिंग होती है. तो वो मैं हमेशा अपने आपको इंटरव्यू करते हुए फैन के तौर पे ले रही होती हूँ. नॉर्मली इंटरव्यूज भी मैं उन्हीं के लेती हूँ जिनकी मैं फैन होती हूँ. तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं आज. और जाते जाते कतर के लोगों के लिए कोई मैसेज, और फीफा आने वाला है तो फुटबॉल से कोई लगाव है? जी, मेरा फुटबॉल से बहुत ज्यादा लगाव नहीं है. मैं बहुत ज्यादा पैशनेटली फॉलो नहीं करता फुटबॉल, लेकिन यह है कि मुझे ये जरूर पता है कि कतर में हो रहा है और लोग बहुत एक्साइटेड हैं. इनफैक्ट होटल्स नहीं मिल रहे लोगों को मैचेस के आने के लिए, और बहुत ज्यादा गहमा गहमी है. मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स भी आ रहे हैं कुछ मैचेस देखने के लिए. तो एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड, और मैं कतर के लोगों को मतलब बस यही बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस शो पे और मेरी मुझे मौका दिया अपनी आर्ट के बारे में, अपनी फिल्म के बारे में, अपने म्यूजिक के बारे में बात करने. नहीं नहीं, शुक्रिया तो आपका कि आप मेरी आवाज़ पहुँचा रही हैं लोगों तक. तो ये है कि इंशाल्लाह मैं इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं हूँ कतर में हमारी कितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या नंबर है और कितने लोग हैं और क्या है, बट अब मैं ये ज़रूर सोचते हुए अगला जब भी कोई वेंचर करूँगा कि कतार के लोग भी जो है वो वहाँ पे बहुत पाकिस्तानी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हमारा म्यूजिक सुनते हैं और फॉलो करते हैं. तो ये बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि जब आप देखते हैं कि आपके यू नो मुल्क से बाहर भी जो जो पाकिस्तानी हैं वो आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं. तो सबको मेरा सलाम, सारे सारे लोग कतारियों को मेरा सलाम, और इंशाल्लाह जल्द ही आप लोग कारमा भी देख पाएंगे किसी न किसी प्लेटफॉर्म के जरिए. Exactly, तो, बिल्कुल. और दूसरा ये कि जैसे आपका क्विस्टिक स्टेशन है, ऐसा कभी आप अगर मौका मिले कतार आए तो यहाँ पे कोई अगर इस तरह का सेशन रख सके हमारे स्टूडियो जरूर आइएगा, तो हम आपको जरूर वेलकम कहेंगे और आपको परफॉर्म करते देखना चाहेंगे. जरूर. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. और जी जी जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर बाकी कास्ट और राइटर का भी इंटरव्यू हो सके तो प्लीज जरूर अरेंज करवाइएगा, और आपका जब भी कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा तो हम आपसे जरूर बातचीत करेंगे. थैंक यू काशान. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.